प्रभु, महाबली हनुमान ने द्वापर युग में आपके अवतार का कुल कैसे निर्धारित किया था? उसी बालक श्रीकर के यदुकुल में मेरा जन्म हुआ। इस प्रकार मेरे भक्त हनुमान ने मेरे आने के पूर्व ही मेरे अवतार का कुल निर्धारित कर लिया था। मेरा वरदान है तुम्हें, एक दिन तुम्हारे ही कुल में स्वयं भगवान नारायण ही अवतार लेंगे और तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ाएंगे। यही नहीं, मेरी बाल्यावस्था की एक प्रमुख घटना की नींव भी हनुमान ने ही रखी थी। हे बंसीधर, आपके भक्त हनुमान ने यदुकुल में आपके जन्म के मार्ग को तो प्रशस्त किया, किंतु वो घटना क्या थी जिसकी नींव हनुमान ने रखी थी? हनुमान की लीलाएं सदैव अद्भुत ही रही हैं। मेरी बाल्य अवस्था की वो मनोहारिक घटना गोकुल में ही घटित हुई थी। स्वामी, आपके गोकुल में घटित हुई बाल्यावस्था की तो अनेकों मनोहारी लीलाएं हैं, किंतु हनुमान के सहयोग से कौन सी वो लीला थी? जग प्रसिद्ध है वो लीला, आप सबको भी स्मरण होगा, जब गोकुल में मैंने प्रकृति पूजा के प्रतीक रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई थी, जिससे देवराज इंद्र कुपित हो उठे थे। उन्होंने मूसलाधार वर्षा आरंभ करवा दी थी। उस विनाशकारी वर्षा से ब्रिजवासियों को बचाने के लिए मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। सुना है आपने उस विशाल पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया था, जिसे देखकर देवराज इंद्र भी कंपित हो उठे थे। किंतु प्राणवल्लभ, आपके उस महापराक्रम में हनुमान की भी लीला थी क्या? तो क्या गोवर्धन पर्वत पूर्व काल में किसी अन्य स्थान पर स्थित था क्या? हाँ प्रिय मित्र वृंदा, सेतु निर्माण हेतु सभी वानर आदि दूर दूर से शिलाएं लेकर आए थे। हनुमान भी सुदूर उत्तर ईशा की ओर जा पहुंचे, जहाँ गोवर्धन पर्वत स्थित था। वचन देने के पश्चात जब हनुमान गोवर्धन पर्वत को अपनी हथेली पर रखकर ला रहे थे, तो उन्हें वहां पहुंचने के पूर्व ही सेतु निर्माण पूर्ण होने के संकेत मिल गए। अतः उन्हें गोवर्धन पर्वत को मार्ग में ब्रिज भूमि में ही उतारना पड़ा, क्योंकि श्री राम ने सबको निर्देश दे रखा था कि सेतु का निर्माण होते ही जो जहां है वो उन शिलाओं को वहीं छोड़ दे। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि गोवर्धन पर्वत को ब्रज भूमि में हनुमान ने ही स्थापित किया। हाँ सत्य भामा, त्रेता युग में अपने भक्त हनुमान को दिए हुए वचन को आपने स्मरण रखा स्वामी, और उस वचन का निर्वाहन आपने द्वापर युग में किया। श्रेष्ठ भक्त के हर वचन हर कृत्य से भगवान को जुड़े रहना होता है प्रिय, इसलिए ना तो मैं उनको दिया हुआ वचन भूला और ना ही हनुमान भूले। और जब मैंने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो हनुमान स्वयं भी उस लीला के साक्षी बने। कृष्ण नारायण वासुदेवा, इंद्र के कोप से ब्रज को बचाया। हे कृष्ण नारायण वासुदेवा, उतना मारी त्रिनासुर को मारा, बालपन ने ही ये पराक्रम दिखाया, माखन के संग ब्रज का उर भी चुराया। हे कृष्ण नारायण वासुदेवा,
दत्त वचन भगवान निभाया, स्पर्श हरि पर भक्त को दिलाया। धन्य प्रभु राम जय जय कन्हैया, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। हे महाभक्त हनुमान, आपके दिए हुए वचन के कारण ही आज मुझे प्रभु के अवतार के रूप में प्रभु श्री कृष्ण के स्पर्श का एवं उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद हनुमान जी। ये आपका ही नहीं, मेरा भी सौभाग्य है पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन, जो प्रभु ने अपने तुच्छ सेवक हनुमान के वचन का मान रखा। ये जगत आपको प्रभु की इस उत्तम सेवा के लिए सदियों तक पूछता रहेगा। प्रभु श्री कृष्ण, आपने मेरे दिए हुए वचन को तो निभा दिया, अब मेरी एक तुच्छ इच्छा और पूर्ण कर दीजिए। वर्षों से ये नेत्र आपके श्री राम रूप के दर्शन के लिए तरस रहे हैं। हे प्रभु, मुझे मेरे आराध्य श्री राम के रूप में दर्शन दीजिए। मेरे प्रभु, मेरे श्री राम। मेरे भोले भाले भक्त हनुमान ने निरंतर 7 दिवस तक, जब तक मैं गोवर्धन पर्वत को उठाए रहा, तब तक हनुमान मूसलाधार वर्षा में ही वहीं स्थित रहकर मुझे भक्ति पूर्वक निहारते रहे। इतना ही नहीं, द्वापर युग में भी हनुमान धर्म संस्थापन एवं भक्तों की सहायता आदि कार्य सतत करते रहे। महाभारत युद्ध के विजेताओं को भी युद्ध के पूर्व योग्य एवं अधिक शक्तिशाली बनाने वाले हनुमान ही थे। जब कभी उन्हें शक्ति के अहंकार ने घेरा, तो उन्हें उचित मार्ग हनुमान ने ही दिखाया। महाभारत के विजेता अर्थात पांडव बंधु। हाँ प्रिय, मेरे फुफेरे भाई पांडव, उन्हीं के विषय में कह रहा हूं। सर्वप्रथम हनुमान के दर्शन देवराज इंद्र के अंश अर्जुन को हुए थे, जिनके समान धनुर्धर संसार में ना कोई अन्य हुआ और ना ही होगा। वो अर्जुन जो सभ्य साची है, अचूक लक्ष्य भेदन, मात्र लक्ष्य पर ही जिनकी दृष्टि केंद्रित रहती है, शब्द भेदी बाण चलाने में सिद्ध हस्त है, जो योद्धा अर्जुन को देवेश्वर शिवजी ने पशुपतास्त्र प्रदान किया था। महाभारत युद्ध के पूर्व ही अर्जुन को अपनी अद्वितीय धनुर्विद्या के कारण दंभ ने घेर लिया था। शक्ति के साथ यदि दंभ भी आ जाए तो योद्धा के लिए पतन के द्वार खुल जाते हैं। अतः अर्जुन के दंभ को चूर करने के लिए हनुमान को ही सामने आना पड़ा। तो क्या हनुमान अर्जुन जैसे महायोद्धा के दंभ को तोड़ पाए? ये विशाल सागर, उसकी उताल तरंगे, प्रकृति का इतना सुंदर रूप, रामेश्वरम का यह संपूर्ण क्षेत्र बड़ा ही मनोहारी है। एक बार अर्जुन देश भ्रमण करते हुए रामेश्वरम तीर्थ पहुंच गए थे। संयोग से
हनुमान भी वहां उपस्थित थे। अर्जुन के हाव भाव से हनुमान ने भांप लिया था कि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या के कारण अभिमान हो गया। अच्छा, तो ये है श्री राम का सेतु जिसे उन्होंने वानरों की सहायता से बनवाया था। किंतु श्री राम तो बड़े धनुर्धारी थे, फिर उन्होंने सहस्त्रों वानरों को इतना कष्ट क्यों दिया? यदि मैं होता तो कुछ ही क्षणों में अपने बाणों से एक सुदृढ़ सेतु का निर्माण करता। अर्जुन जैसे योद्धा की वाणी में ऐसा अभिमान? योद्धा तो तभी विजेता होता है जब शक्ति के साथ साथ उसके व्यवहार में विनम्रता हो, अन्यथा दंभ उसे पतन के अंधकार में धकेल देता है। अर्जुन को भविष्य में प्रभु श्री कृष्ण के साथ मिलकर धर्म की स्थापना के लिए कार्य करना है, इसके लिए इन्हें दंभ के विकार से मुक्त करना ही होगा। अब ये वानर कहां से आ गया मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने? क्षमा करें, आप तो बड़े योद्धा प्रतीत हो रहे हैं। जो आपने अभी कहा, क्या वो सत्य है? मैंने? तुमने क्या सुना मेरे मुख से? आप अभी कह रहे थे ना कि आप अपने बाणों से सेतु बना देते हैं। हाँ, ऐसा कर सकता हूं मैं। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि आप ऐसा कर पाएंगे। हाँ, पांडु पुत्र धनुर्धारी अर्जुन ही कदाचित ऐसा कर सकते हैं। वो महायोद्धा हैं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं वो। मैं ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हूं। आप अर्जुन हैं, पांच पांडवों में से एक। अरे वाह, मैं तो धन्य हो गया जो मुझे इस युग के महान धनुर्धर अर्जुन के दर्शन हो गए, जिनके अद्भुत पराक्रम और अचूक लक्ष्य भेदन की कथाएं अभी तक सुनी ही थी मैंने। वो कथाएं सत्य हैं, किंतु तुम कौन हो अद्भुत वानर? अपना परिचय दो। मेरा परिचय? पांडु कुमार, मैं तो एक मात्र साधारण सा वानर हूं। वो तो प्रभु श्री राम का सेतु है, यहाँ तो कभी कभी चला आता हूँ। हम वानरों की स्मृतियां जुड़ी हैं ना इससे, इसलिए। हाँ, वो तो है। किंतु आपने सत्य कहा, आप तो अपने बाणों से ही सेतु का निर्माण कर देते। किंतु क्या तुम्हें कोई संदेह है मेरी धनुर्विद्या पर? नहीं नहीं नहीं, आप तो रामेश्वर महादेव के दर्शन हेतु जा रहे थे ना? आप जाइए। किंतु किंतु ना ना, कुछ नहीं। अरे मेरा क्या है, मैं तो वानर बुद्धि हूं ना, कुछ भी सोचने लगता हूं। किंतु बात तो मन में आ ही जाती है ना। बात क्या है वानर, ये बार बार किंतु परंतु बता कुछ नहीं रहे, क्या बात है? वो क्या है ना, आप तो महान धनुर्धर अर्जुन हैं, जिनके पराक्रम पर संदेह करने वाला तो मूर्ख ही होगा। किंतु मैं मूढ़ बुद्धि वानर, मेरे मन में तुम्हें कोई आशंका है तो कह दो वानर। आशंका? वैसे सत्य है कि आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हैं, आप तो बाणों से सेतु का भी निर्माण कर सकते हैं। किंतु क्या वो सेतु सहस्त्रों वानरों का भार सहने योग्य होता? अच्छा, तो मेरे सर संचालन पर संदेह है तुम्हें। क्षमा क्षमा पांडु कुमार, क्षमा। मैं मूढ़ बुद्धि, भला अर्जुन जैसे महायोद्धा के शर संचालन पर मैं संदेह करने लगा? मैं ये दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? किंतु आशंकाएं तो मन में उमड़ घुमड़ करती ही रहती है ना। फिर भी मुझे आपकी बात पर विश्वास है कि आप अर्जुन ही हैं, और मुझे कोई प्रमाण नहीं चाहिए कि आपके बाणों में ऐसी शक्ति है कि उनसे बनाया हुआ
सेतु सहस्त्र वानरों का भार सहने की क्षमता वाला होता है या फिर नहीं? मेरे बाणों से बनाया गया सेतु तुम जैसे सहस्त्र वानरों का भार ही नहीं बल्कि उनकी उछल कूद भी सहन कर लेता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपने कहा तो मैं मान ही लेता हूँ। वैसे प्रमाणित करने की तो कोई भी आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, प्रमाण भी दे सकता हूँ मैं, यहीं इसी सागर तट पर। नहीं नहीं नहीं, किंतु अच्छा उचित है, मन तो बड़ा ही जिज्ञासु होता है ना। अब आप जैसे महायोद्धा के शर संचालन को देखने का लोभ कैसे संवरण कर सकता हूं मैं? क्या सत्य में ही आप कर पाएंगे ऐसा? हाँ हाँ, देखो अभी कुछ ही क्षणों में मैं तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ही इस सागर तट पर अपने बाणों से एक सुदृढ़ सेतु का निर्माण करूंगा। अभिमान मस्तिष्क का ऐसा विकार है जो नेत्र होते हुए भी मनुष्य की देखने की शक्ति को विकृत कर देता है। उसे दिखाई नहीं देता कि उसे चुनौती देने वाला कौन है। वो स्वयं को सर्वोपरि समझने लगता है, भगवान के समकक्ष मानने लगता है स्वयं को। सत्य कहा द्वारिकाधीश, फिर अर्जुन जैसे महायोद्धा सर्वश्रेष्ठ धनोधर के अभिमान को कैसे तोड़ा हनुमान ने? सर्वप्रथम देखना तो ये है कि अर्जुन बाणों से सेतु का निर्माण कर भी पाए या नहीं। ये सत्य है कि अर्जुन को घमंड ने घेर लिया था, किंतु धनुर्विद्या में कुशल अर्जुन को ज्ञात था कि बाणों को अपनी इच्छा अनुसार कैसे चलाया जाता है। अर्जुन जी, मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है, आप शीघ्र चलाइए ना बाण। मात्र एक ही बाण? अर्जुन जी, एक एक बाण करके सेतु बनाने में तो कई मास लग जाएंगे। आपने जो कहा था वो कर दिखाया, अनुपम है आपकी धनुर्विद्या। संसार में आपके समान कोई और धनुर्धारी हो ही नहीं सकता। मैं तो धन्य हो गया ऐसी धनुर्विद्या देखकर। नहीं, ऐसे नहीं, सुदृढ़ कहा था ना तुमने। अब यदि तुम में शक्ति है तो जाओ इस सेतु को हिलाकर दिखाओ। नहीं नहीं, इतना अद्भुत सेतु बनाया है आपने, कहीं टूट ना जाए। कुछ नहीं होगा इस सेतु को, तुम जाओ प्रयास करो इसे हिलाने का। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं प्रयास करके देख लेता हूँ। केवल हिलाओ ही नहीं, मन भरकर उछल कूद भी कर लो इस सेतु पर। मेरे बाणों का बना हुआ यह सेतु बिल्कुल नहीं हिलेगा। आश्चर्य है, ऐसा कैसे हो गया? मेरे बाणों से बना हुआ सेतु इस वानर के स्पर्श से बिखर कैसे गया? ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला।
लीला श्री हनुमान की। आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, किंतु अति आत्मविश्वास व्यक्ति को उसकी परीक्षा में असफल भी करा सकती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।